जी मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। ओके, आज अगर आप लोग कुछ पूछना चाहो तो माइक भी काम कर रहा है, यू कैन आस्क मी। और बिफोर वी प्रोसीड, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालिक, ऑलरेडी बैच के पार्टिसिपेंट है, तो डॉक्टर सालिक को भी बहुत बहुत मुबारक हो पेपर क्लियर करने की। और डॉक्टर सालिक, आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप शेयर करें, फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले सर जो है क्लासेस में और जो कंटेंट है इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है इन सारी चीज़ों ने। और टेस्ट जो है वो काफ़ी बेसिक सा आता है जो मेरा जो एक्सपीरियंस था। ये अगर हम इन तमाम नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना आई थिंक वी आर वेरी सफिशिएंट कि जो हम बड़े आराम से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और जो है बेसिक सारी चीजें होती है, यही चीजें 70% तो यही चीजें इजीली रिपीटेड ही थी जो ऑलरेडी मैं बुक से पढ़ी थी। खासतौर पे चैप्टर 6 से काफी कंटेंट आया था और जो है स्पीड्स का था कंटेंट उसी में से ही एज इट इज प्रेसेस आए थे इनके। ठीक है, और स्पोर्ट्स मैं नहीं ज्यादा पढ़ सका था लेकिन स्पोर्ट्स से भी यही मेरा एज्यूम है कि जो ना यही से चीजें आई होती है। ऑप्शंस प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर देते हैं लेकिन जो है कंटेंट सारा यहीं से था। तो अगर हम थोरली इस बुक को पढ़ लें तो आई थिंक ये 100% है कि बंदा जो है ना वो कर जाता है। हेलो, जी जी आवाज़ बिल्कुल, आ रही है आवाज आपको? जी 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 बिल्कुल जी ओके। तो ये क्लासेस जो है ना मुझे इस तरह से क्लासेस का बड़ा बेनिफिट हुआ कि जो ना अपनी मेरी बिजी रूटीन थी क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं फैमिली को भी देख रहा हूँ, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से ये क्लासेस ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि मेरा काफ़ी जो एक स्टडी गैप भी रहा है मेरा काम की वजह से। तो स्टडी गैप की वजह से मेरा एक कह लें कि एक टेम्पो जो बन रहा होता है वो नहीं खुद से बन पा रहा था लेकिन ये क्लासेस से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है कि बंदा एक रूटीन में आ जाता है, एक बंदे का मोरल मेरा बढ़ना शुरू हो गया कि मैंने क्लास लेनी है और मैं उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करनी है। तो इसने लिहाज से मुझे काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करती रही हैं। तो दिस मटेरियल हेल्प मी रियली रियली अलॉट एंड थैंक्स के जो है ना डॉक्टर दिलीप का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते रहे। मतलब कि जो टेस्ट की रात थी तो ही वॉज ट्रेवलिंग और मुझे रात लेट नाइट में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ रहा था तो उन्होंने मुझे काफ़ी ये जो टिप्स दी थी गाइडलाइन दी थी कि ये जो टॉपिक्स हैं लाइक ऑर्थो करने के और एंड वाले नॉलेज वाला चैप्टर देख लें, एक्सरसाइज वाला कंपोनेंट देख लें, पीट्स को देख लें, उनके ये सारी चीजें उन्होंने जो मुझे सारे टॉपिक्स बताए थे वो मैंने सारे किए थे। एंड वो सारे चीजें में से काफी सारी सुबह उठ के मैं जब गया हूँ तो में से ही चीजें काफी रिपीटेड थी एंड आई फील वेरी रिलैक्स फ्रॉम द टेस्ट। तो थैंक यू सर, आपका क्या आप काफी सपोर्टिव रहे हैं एंड इट्स रियली हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सालिक, ओके सर, और थैंक यू अगेन। लेकिन ये कि आपकी ये प्योरली क्रेडिट आपकी मेहनत को जाता है, और आप लोग इतने कम वक्त में मेहनत करते हो, यही एक जो है वो मेन क्रेडिट आपकी मेहनत को जाता है कि आप अपना ये सारा शेड्यूल संभालते हो और उसके बावजूद भी। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं बाकियों से भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग कुछ डॉक्टर सालिक से पूछना चाहते हो तो आप अपना मतलब कोई भी रेलेवेंट चीजें अगर आप लोग पूछना चाहो तो आप लोग पूछ सकते हो, इफ यू गाइज वॉन्ट। तो आप माइक अनम्यूट करके डॉक्टर सालिक साहब से पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिक, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड होप फॉर दी बेस्ट फॉर ऑल। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपने टेस्ट फिजिकल दिया था और इसके लिए कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह का फॉर्म वगैरह फिल करना है तो उसका प्रोसीजर बता दीजिएगा प्लीज़। एक सेकेंड डॉक्टर सालिक, डॉक्टर फजीला, ये टेस्ट का जो प्रोटोकॉल है ये मैं ही आपको गाइड कर दूंगा। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज पूछें, क्योंकि मैं तो ओवरऑल टेस्ट वगैरह सारा आपको गाइड कर दूंगा, नॉट अ बिग डील। डेटा फ्लो से लेके हर चीज, मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद डॉक्टर लाजवंती ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ, शी आल्सो क्लियर अलॉन्ग विद डॉक्टर सालिक फ्रॉम कराची। डॉक्टर सालिक तो यहाँ के पंजाब से, तो मैं बस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ लोग पूछना चाहो ना तो वो आप लोग पूछ लो, बाकी सारी चीजों के ओके लिए आप।
ठीक है। ओके, तो सर प्लीज ये बता दें कि कोई बुक फॉलो की थी या सिर्फ ये जस्ट क्यू बैंक एंड सर की जितनी भी नॉलेज आपने पढ़ी थी आपने उसी को फॉलो किया, या अलग से भी कोई गाइडेंस आपने ली थी ये भी प्लीज बता दीजिएगा। और क्वेश्चंस का बताइएगा कि बेस्ट चॉइस थे या मल्टीपल चॉइस थे, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। मिस सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑल आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने मौजूद पे हर चीज वो क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होते हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है। एंड आई थिंक मैं आपको पहले बताया कि ये जो सारी बुक और सर ने जो फाइल शेयर की है ना, इसको आपने बस A to Z जो है ना आप थोरली पढ़ लें, ठीक है, थोरली आपको याद कर लें इन चीजों को, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि जो है ना, मैं खुद गारंटी देता हूँ कि जो है ना कि आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इतना आपको लाजमी कर रही हूँ कि मैंने इसी के अलावा, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, शॉर्ट टाइम था, ठीक है, मेरे पास कुछ और भी कंटेंट मटेरियल था, बट मैंने अपने टाइम के हिसाब से मैं इसी कंटेंट को ही फॉलो कर किया, रियली हेल्प मी अलाउड, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ इसको भी अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो आप इनको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। हाँ कुछ चीजें हैं लाइक आप स्पेशल टेस्ट होते हैं, इसमें मैं एक और चीज डालू, लाइक कुछ चीजें हैं स्पेशल टेस्ट हैं, आप वो कंप्लीट जरा दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, माइलस्टोन्स हैं यहाँ पे जितने दिए मैं, उसके अलावा भी वो अगर आपको देखने हैं वो आप जरा देख लें अच्छे से, तो इट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको कुछ समटाइम्स देर आर चांस कि जो आपको जरूरी नहीं कि 100% यहीं से सेम उठा के दे रहे, थोड़ा सा वेरिएबल कर देंगे, लेकिन बट दे विल गिव यू अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कि आपको ये चीज यहाँ से करनी है, तो आप उसके प्लस माइनस में जा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अपने हमने वैसे ही अपना एक्सपीरियंस में पढ़ी होती है, तो वो चीजें फिर भी आपको हेल्प आउट कर ही देती हैं। लेकिन मोर और लेस अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से कर लें तो आपका निकल जाएगा। ओके, थैंक यू। और एनी अदर क्वेश्चन, किसी को ऑफिस सवाल पूछना हो रिगार्डिंग थैंक यू क्वेश्चंस? डॉक्टर, सो मच डॉक्टर सालिक फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अब हम 5 मिनट देंगे डॉक्टर लाजवंती से, फिर हम, उन्होंने भी अभी कल क्लियर किया है, शी इज फ्रॉम कराची, और उन्होंने भी कल पेपर क्लियर किया हुआ, तो